ये आदमी बार बार भेज बदल के आ रहा है। हाँ। लेकिन क्यों? जया दीदी, कुछ गलत मंसूबा रहेगा, इसीलिए ऐसा कर रहा है। अरे जनाब, हमारा इलाज फरमाएंगे या हमारी टांगे इंतकाल फरमा रही है? जी जी, आपके इलाज के बारे में ही बातें हो रही हैं। जी जी, जरा जल्दी आइए, बेगम के साथ फुटबॉल खेलना है। एक काम करते हैं, इसे घर पे लेके जाएंगे, बांध के रखेंगे और फिर पुलिस को वहीं पे बुलाएंगे। लेकिन बाबा, अगर हम इसे घर लेके गए तो इसे समझ में नहीं आ जाएगा कि हम जानते हैं कि ये भैरूपिया है। हाँ, ये भी ठीक है। काका, जया दीदी, वो मूर्छाधिपति चूरन उसकी दो चम्मच दे के बेहोश कर देते हैं। अकल से काम लेना चाहिए, अकल से। फिर आप ही करो। मेरे पास एक अच्छा उपाय है, बस देखते रहो। यार, दीपक ने ना कमाल का काम किया है। एक के बाद एक नकली मरीजों की लाइन लगा दी है। क्या बोलते हैं उसको यार, व्हाट यू कॉल दैट? हाँ, लोखंडे जी के चिकित्सालय में। नो, इट्स अ हाँ, इट इज फिक्सिटसालय, क्योंकि वहाँ मरीजों की प्रॉब्लम्स फिक्स होती है, करेक्ट? इट इज चिकित्सालय। अरे बस सर, मतलब लोखंडे जी के जाते आपकी जो जबान लड़खड़ाना ही बंद हो गई, वरना उनके यहाँ पे रहते तो अंडे जी, संडे जी, मन जी, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते आप। कितने दिनों के बाद मेरा बीपी नॉर्मल हुआ है। दीपक, भगवान तेरा हमेशा भला करे। ये सब क्या है, ये क्या है ये? आप लोगों को तो मौका मिलता नहीं और पार्टी शुरू हो जाती है, दैट व्हाट इज ऑल दिस? अरे यार, बिना डरे दो रोटी क्या खा ली, तुम उसे पार्टी कहते हो? अरे दो क्या, आप चार खाइए ना, लेकिन इस तरह से ये फैला के खाने की क्या जरूरत है? ये देखो, यहाँ पर वो, वहाँ पर ड्रिंक के साथ, ऐसे तो एक ना एक दिन पकड़े ही जाएंगे हम। ओह माय गॉड, लोखंडे जी। ऐसा कभी करते है क्या? तुम्हें पता है कितने लोग ऊपर चले गए? सॉरी सर। आई, आपके जो ये जो आपकी बीमारी है वो थोड़ी विचित्र है, तो इलाज भी विचित्र ढंग से ही करना होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मधुमिथ्या उपचार करना होगा। अच्छा, तो ये मधु मैडम उपचार करेंगी? नहीं, वो नहीं करेगी। वो क्या है, इस पर तेल लगाने से पहले पूरे शरीर को मीठा खिलाया जाता है, तब जाके असर होता है। अच्छा, मीठा। आप यूं समझ लीजिए कि पिटाई करके इलाज करेंगे। मिठाई देकर इलाज करेंगे। अरे वाह, क्या बात है। लोखंडे, जैसे कि आगरा का पेठा। अरे वाह 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 वाह। मथुरा का पेड़ा। हाय 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 हाय। कलकत्ता का पानी शोक रसगुल्ला। हाय हाय हाय, मजा आ गया। लेकिन खिला पिला के तो बकरे की बलि देते हैं। हाँ, तो यही समझ लीजिए। मेरा मतलब है, आपकी बीमारी की जो बकरी है ना, उसकी बलि काका चरा देंगे। अच्छा अच्छा, तो फिर ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको घर चलना होगा, वहीं पे इलाज होगा। अरे वाह, क्या बात है, इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। बाबा चलिए। क्यों नहीं, क्यों नहीं, अरे आइए आइए, अरे चलेंगे। अरे आपके पैरों में दर्द है? अरे हाँ, चलिए चलिए। चलो, बच्चों की तरह एक जोक बार बार नहीं मारते। अरे लोखंड जी सच में आ गए डैड। अरे बेबी नहीं, बाबा आ गया। कमाल का गरीब बंगला बनवाया है आपने, बहुत बढ़िया है। कमाल पानी। I'm ready, one second.
बड़ी तकलीफ है हमारी कमर में। हाय 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 हाय। लगता है पकड़ा गया। सचिन रे, सचिन रे, बढ़िया आ गया। थोड़े थोड़े मीठे में जो है और शुगर कम रखिएगा। ये क्या है? ये हमारे मरीज है, इलाज के लिए लेके आया। अरे जय बेटी, सुधाकर इलाज का प्रबंध करते हैं। आओ। आया मैं। ये सब है क्या? ये लोग तुझे तुझे यहाँ क्यों लेकर आए? अरे ऐसी धांसु एक्टिंग की तेरे भाई ने कि लोखंडे जी मेरा इलाज करने के लिए यहाँ पे लेके आया। स्पेशल मधु मिष्ट उपचार। मधुमक्खी का अचार ये कब से बनने लगा? अरे नहीं, ये मधुमक्खी का अचार नहीं, मधु मिष्ट उपचार। इसमें तेल लगाने से पहले मिठाइयाँ खिलाते हैं, बंगाली रसगुल्ला, आगरा के पेठे और मथुरा के पेड़े। मैं तो सब खाऊंगा बेटा, तू बस देखते जा। अरे वाह दीपक, तुम नकली मरीज क्या हुए? लोखंड जी तो हलवाई हो गए, घर बुला के मिठाई खिला रहे हैं। हिलो हिलो, सब लोग नहीं, अमा खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे? मिठाई लाइए। मिठाई, मिठाई खिला के कौन सा इलाज होता है? मुझे तो डर लग रहा है, ये कहीं तूफान आने से पहले का सन्नाटा तो नहीं है ना? पहले पुलिस को फोन लगाओ। ये कौन है, इसके पीछे क्या षड्यंत्र है? ये तो पुलिस का डंडा ही उगलवाएगा। तू डंडा लेके यहां क्या कर रहा है? तुम्हें क्या बोला था मैंने? उसके ऊपर नजर रखने के लिए बोला था। काका मछली जाल में फंस चुकी है, कहीं नहीं जाएगी, और सारे घर वाले उस पे नजर रखे हैं। काका काका और एक बार सोच लीजिए, पुलिस के डंडे का इंतजार नहीं करते हैं, आप ही दो डंडे लगाइए, अपने आप सब उगल देगा। लोखंडे नहीं, हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। हेलो, हाँ पुलिस स्टेशन, एक मिनट बाबा। अजी मैं ललितराव लोखंडे बोल रहा हूँ, हमने यहाँ एक भैरूपिये को पकड़ के रखा है। मतलब वो तेरे लिए मिठाई बनाने गए? हाँ मेरे भाई, वो लोग बनाएंगे तभी तो हम खाएंगे। ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, ये गरीब घर का किचन है, उसमें कुछ नहीं है, सारे डब्बे खाली है, किचन में कुछ होगा तो ही कुछ बनाएंगे, है ना बीजी? सारे डब्बे खाली है। जा बेटा रो, डब्बा खुल गया तो सारे राज बाहर आ जाएंगे। अरे रोकने की क्या जरूरत है, वो खाली डिब्बे देके खुद ही बाहर आ जाएंगे। डब्बा तो तुम्हारा खाली है, माल पानी दोनों कान के बीच में जगह ही जगह है। खाली है? I can't understand. बाबा, मियां साहब ने बताया कि आप लोग यहाँ पर मिठाई बनाने आए, मैं आपको बताने आया हूँ कि आप इसके लिए क्यों परेशान हो रहे हैं। बाबा आगरा के पेठे, मथुरा के पेड़े, बंगाल के रसगुल्ले, आपको जो चाहिए वो सब मैं आपको मंगवा के दे दूंगा। कि डिब्बे खोल के बनाने की क्या जरूरत है जया, क्यों तकलीफ ले रहे है बाबा? मत जय, हम कोई मिठाई विठाई नहीं बना रहे। हाँ, बस जो कुछ भी करना है वो हम नहीं, पुलिस आके करेगी। पुलिस? पुलिस क्यों आके मिठाई बनाएगी? पुलिस आके हाथों में हथकड़ी लगाएगी, क्योंकि झूठ पकड़ा गया। डिब्बे खोल के देख लिए? अरे बेटे क्या डिब्बे डिब्बे लगा के रखा है, हा?
डिब्बे की पड़ी है यहाँ, उसने बताया ना एक बार वो नहीं बनाने वाले। तो फिर पुलिस क्यों आ रही है? पुलिस आके भी मिठाई नहीं बनाएगी, फिक्र मत करो जय भैया, आपका राशन खाली नहीं होने देंगे। तो हथकड़ी किसे पहनाएगी फिर? बाहर जो मियाँ साहब बन के बहरूपिया बैठा है ना उसे। जय तुम जानते नहीं हो सुबह से वो कितनी बार भेस बदल के नकली मरीज बन के बाबा के पास आया है। जरूर कोई ना कोई गड़बड़ तो है। अच्छा, बहुत बड़ी गड़बड़। गड़बड़ छोटी है या बड़ी ये तो पुलिस ही निकलवाएगी। क्यों जा? हाँ ठीक। देखो सुधाकर। ये क्या, अब यहाँ बैठे थे वहां कैसे घिसक गए? अम्मा मियाँ, हमको तो घुसकने की बीमारी है ना, तो घुसकते घुसकते इधर आ गए। वैसे आप ये बताइए मिठाई कहाँ रह गई? रास्ते में है, आ रही है। अच्छा रास्ते में है, कोई बात नहीं, आने दीजिए आने दीजिए। अरे हाँ हाँ रास्ते में आ रही है, कोई जल्दी नहीं है, मुझे लेते आइए। जया सुधाकर, एक दो तीन। मिठाई खिलाने का? अभी ठंडे रसगुल्ले नहीं गरम डंडे खाओगे। गरम डंडे? ये कौन सी मशहूर मिठाई है पीसी, आपने खाई है? अरे देखिए गरम डंडे जी, लोखंडे जी आप क्या कर रहे हैं? प्रेमचंद जी भांडा फूट गया। पर फूटने की आवाज तो नहीं आई। आएगी आएगी, अब पुलिस की आवाज आएगी। अरे पिताजी ये पकड़ा गया है, ये मतलब हम लोग खड़े हो जाए? खड़े हो जाए, खड़े ही तो हैं, खड़े ही हैं। आप लोग खड़े ही रहो, आप लोग वहीं खड़े रहो, खड़े रहो। अरे जानते नहीं कि ये कौन है? ये कोई मरीज नहीं है, ये बहुत बड़ा भैरूपिया है। इसकी असलियत जानेंगे ना आप लोग चौंक जाएंगे। ये दिन भर भेद बदल बदल के बाबा के क्लिनिक के चक्कर लगा रहा था। इसे पुलिस के हवाले करने की बात कर रहे बाबा। पुलिस? और इसके साथियों को भी। इसी अब ये हमारी बात कर रहा है। सुंदर साथी? हाँ, कोई गिरोह तो होगा इसके पीछे, और भी लोग होंगे इसके साथ, उनकी भी गर्दन हाथ में आ जाएगी। फिकर मत कीजिए प्रेमचंद जी, दूध का दूध और पानी का पानी अब भी हो जाएगा पुलिस आने के बाद। हो गया? किस गिरोह से आया है? तेरे साथी कौन है, नाम बता। साथियों? कौन थे साथियों? आप जो समझ रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सही, ये तो दीपक है।
मेरी भाग्यवान का कहने का मतलब है कि ये भी किसी के घर का दीपक है, किसी के घर का चिराग है। हाँ, हाँ। आ, लेकिन इसे सजा तो मिलनी चाहिए। मिलनी? अरे बस कर सुधाकर, थाम रे। हाँ थाम्बा। कितना मारेगा उसको बेचारे को? मेरा मतलब है, एक मिनट लोखंडे जी। लोखंडे, मुझे भी अब बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं इसकी अकल ठिकाने लाता हूँ। क्यों ऐसा करता है? शर्म नहीं आती? खाओ मेरी कसम कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं करोगे। खाओ। आपकी कसम खाता हूँ, कभी नहीं करूंगा, माफ कर दीजिए। कसम खा ली, छोड़ दो इसे। छोड़ दी, छोड़ दीजिए। अरे क्या छोड़ दो? प्रेमचंद जी, आप बड़े भोले हैं, आपका दिल मासूम है, ऐसे अपराधी को भी आपने क्षमा कर दी। जब तक पुलिस का डंडा नहीं गिरेगा ना, वो सुधरेगा नहीं। आप बीच में मत आइए। छोटी छुट्टी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे ऐसे लोगों तो डंडे ही पड़ने चाहिए। अरे शर्म नहीं आती? हाँ, पकड़े गए, एक काम ठीक से नहीं होता तुमसे। क्या? लोखंडे, मतलब कोई ठीक ठाक काम मिला नहीं तो ऐसे काम करोगे तुम? अब भागो, भाग के दिखाओ, भाग के दिखाओ। अरे दिखाओ भाग के। महिला एक उतर जा। मेरे पे चल, घूम रहा है। जाओ रस्सी लेके आ जाओ, रस्सी लेके आ जाओ। चलो वो भाग गया। मैंने सिखाया हुआ फंदा वार तुम मुझसे भी अच्छा कर लेती है। आओ बेटी। बस आजा बेटे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.